आएगी अभी इसको मालिश करेगी, अब मालिश कराने के लिए रेडी। काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और हम लोग को अभी के अभी अर्जेंट जो है हॉस्पिटल निकलना। तो गाइस ये है पैरासिटामोल, ये है क्या है। तो गाइस इतने सारे जो है लड्डू हैं। अरे ले बाबू तुझे देना, तुझे मम्मी आ रही है तेरी, देखो तो कितना भूख में वो कर रहा है। मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ गोदी पे। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टुडेस व्लॉग, और कमेंट मत करना खांसी है मुझे, अभी भी बता दे रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है बस अभी अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी बज रहे 9:30 और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आज उठने में, लेकिन मैं नहा ली हूँ, फ्रेश अप वगैरह सब हो गई। बस इतने सारे जो हैं कल कपड़े धोए थे बेबी के, देख सकते हो पूरे निकाल के ले जा रहे हैं क्योंकि फिर आज गंदे होंगे ये। तो मम्मी के जाने का टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से ये सब निकालती हूँ और जाती हूँ, क्योंकि शायद रोटी भी बनाना है ना, तो रोटी भी बनाना फटाफट करती हूँ। सो गाइस देखती हूँ मेरा बाबू क्या कर रहा है, चुपके से बैठी हूँ। हाय भाई यहाँ तो है नहीं, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ चलो हो गई तुम्हारे रोटी, सब बन गया है क्या कि कुछ बना, रोटी बनाना बचा है, मैं 2 मिनट में बना देती हूँ। सो गाइस सुबह सुबह जो है मेरा काढ़ा रेडी है, अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय नहीं सिर्फ अदरक वाली है, तो एकदम मस्त लग रहा है पका पका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो कप इतना बड़ा, तो मैं आधा अभी पीऊँगी आधा बाद में पी लूँगी गर्म करके। उससे पहले मेरे को बनाना है रोटी, और मेरा जो रोटी आटा इतना सारा गूंधा हुआ है अभी, और फटाफट बनाना है इतना सारा है। सो गाइस आरती जो है चालू हो गई है, मेरे को हो गया लेट तो मैं जल्दी से जाती हूँ क्योंकि आरती स्टार्ट हो गई है, आपको तो पता ही है कि गणपति पापा बैठे हुए हैं। सो गाइस 10:30 बजने वाले हैं, बेबी जो है रो रहा था, वो उसको भूख लगी थी तो अब ये सोने लग गए, इसको सुला दिए हैं और इन लोग जो है खाना खा रहे हैं, इन लोग जो है खाना खा रहे हैं क्योंकि इनका टाइम हो गया है। हाँ मम्मी का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और प्रसाद भी आ गया है क्योंकि हम लोग अभी गए थे ना पूजा पे, तो प्रसाद भी है। सब्जी क्या बनी आज, आज बनी लौकी की सब्जी और बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ता नहीं है, तवा बैंगन है। अच्छा ठीक है, आप बनाए माते ट्राई करा माते ने बनाने के लिए, अब देखते हैं कैसे। चलो जल्दी फटाफट फटाफट नहीं टोपी मत पहनाओ। तो गाइज आप लोग देख रहे हो कि इतनी जल्दबाजी हम कर क्यों रहे हैं, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा वीडियो में, जुड़े रहिए देखिए इसको पैक किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इतनी बरसात में कहीं निकल रहे हैं, आप देख सकते हो सामने बारिश हो रही है, ये बरसात हो रही है देखो, तो इसको जरूर देखो। सैनिटाइजर है ना उस पर, लास्ट टाइम में सैनिटाइजर पड़ा है, पड़ा है, मैं चेक किया हूँ। बच्चे अभी मेरे बाबू को यहाँ मच्छर काट रहा था एक, हमने उस मच्छर को बहुत भयंकर तरीके से मारा है, देखो ये इसकी लाश पड़ी है मच्छर की, यही मच्छर था। आजकल क्या है डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस चक्कर में ना, और बेचारे को यहाँ पे काट रहा था, मैं आया और तुरंत देखा मैंने इसको। सो गाइस आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग को अभी के अभी अर्जेंट जो है हॉस्पिटल निकलना पड़ा क्योंकि डॉक्टर जो है वो फ्राइडे एंड मंडे ही बैठती है, तो इसीलिए जो है आज चले जाते हैं क्योंकि इनका भी जो काम है वो देखना पड़ता है ध्यान में रखते हुए। हाँ तो अभी बंद है तो इसलिए आज ही जा रहे हैं, पता चला मंडे को काम हो गया तो निकलना पड़ रहा है अभी। और छोटू बेबी जो आराम से गोदी में सोया हुआ है, अभी उठा तो थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर अभी सो गया। पहुँचते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क बारिश है, और अच्छा है ना अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए आज ऐसी निकल गई उल्लू को। ये कितना प्यारा बच्चा है सच में, हॉस्पिटल से हम लोग जैसे बोली प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है सजा, हम लोग जैसे हॉस्पिटल पूरा पहुंचने से पहले तक ये सो रहा था, सो रहा था और अभी भी सो रहा है, कितने प्यार से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है ना बच्चा, ये स्मार्ट बच्चा है इसीलिए तो मैं बोलती हूँ। सही बोले पापा तो स्मार्ट है ही। तो गाइस हम लोग ना पहुँचे थे करेक्ट 11 बजे और अभी बज रहे हैं 12,
तो हमारा जो काम है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा एक घंटे में हॉस्पिटल में काम हुआ होगा आज तक, मतलब रिकॉर्ड ले लो। नहीं इडली खाओगी? नहीं छोड़ो, बारिश हो रही है, बाहर का नहीं खाती, घर ही जाके खा लूंगी। हमेशा कितने घंटे लग जाते थे नहीं बैठे बैठे, तो फटाक फटाक पता है एक घंटे में कैसे हुआ। मैं ये भी बता देती हूँ कि मेरी जो थोड़ा सा टेस्ट वगैरह था जो कि हम लोग पिछले सप्ताह करवाए थे, तो उसकी रिपोर्ट चेक करवानी थी, बस उसी ले जाना था हमको। तो आज बारिश भी हो रही थी तो इसलिए सोचे कि कम भीड़ होगी तो चले जाते हैं आज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत तेज, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नहीं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग फटाक फटाक, मैं गई टोकन जल्दी से टोकन ले ली, सील लगवा ली और रिपोर्ट निकलवाने के लिए मैं मस्त आइडिया आजमाई, क्योंकि इतनी भारी लंबी लाइन लगी हुई थी, मेरे को तो तेज भूख लग रही थी। अगर मैं वो लाइन में खड़े हो जाती ना, मेरा आधा एक घंटा कहीं नहीं जाता गाइस। तो ना मैं चली गई थी बॉयस वाले, मतलब जहाँ लाइन लगी हुई थी ना उसके साइड पे मैं चली गई। मैं बोली मेरे को सिर्फ रिपोर्ट देखना है कि आई है कि नहीं आई है, अगर नहीं आई होगी तो मेरा लाइन में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी हम लोग चेक करे थे तो रिपोर्ट नहीं आई थी। तो सच में मैं गई थी कि मेरे को पूछना था, लेकिन मैं बोली अगर तब देख ही लिया तो निकाल भी दो भाई। तो वो लंबी लाइन से मैं बच गई, मेरा आधा एक घंटे का टाइम बच गया और तुरंत गई रिपोर्ट आज, जो मतलब जो क्या बोलते उसको, हमारा जो कार्ड होता है उसको भी आज जमा नहीं करना पड़ा। मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास गई, चेक करवाई, डॉक्टर बोले सारी चीज़ें ठीक है, सब चीज़ ठीक है, अच्छे से खाओ पियो, बस इतना है कि भारी वेट मत उठाओ, भारी सामान मत उठाओ। तो बस इसीलिए आज हम लोग गए थे हॉस्पिटल, और कुछ नहीं था ऐसा। मैंने पूछा बीबी इतना ज़्यादा रो रहे हैं, आपको अपनी भूख की लगी है, जल्दी जल्दी खटाक खटाक अपनी रोटियाँ बना के खाओगी, फिर इसको दूध पिलाओगी। बाबू तुझे देना, तुझे मम्मी आ रही है तेरी, देखो तो कितना भूख में वो कर रहा है, आपको भी तो भूख लग रही है, दोनों को भूख लग रही है, क्या करूं मैं बताओ। देखो देखो बाहर, देखो बाबू मौसम कितना अच्छा हो रहा है बाहर, देखो ना मौसम को, ये बच्ची को देखो। अरे यार सुगैसी अभी अभी पेट किया और देख लो इतना ताकत लगा लगा के पॉटी कर रहा है, क्यों तुरंत के तुरंत दूध पिया, तुरंत के तुरंत पेट भी खाली कर दिए हैं। ऐसे ऐसे दो घंटे तक था यार बेचारा भूखा, दो घंटे तक था। मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ गोदी पे, मुझे तेज भूख लगी हुई थी तो ऐसा पेट करा रही थी, मैं भी रोटी खिला रहे थे, रोटी 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 रोटी। गाइस हम लोग अभी 4 बजे जो है आज का लंच कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था जो इतना लेट लंच कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, क्या हुआ लेकिन क्या? एक गोली से आप सही हो गए एकदम, एक गोली से 15 मिनट के अंदर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, मेरा आइडिया था, लेकिन दो घंटे बाद खिले मुझे टैबलेट। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, मेरी तबीयत जो हल्की हल्की थोड़ी सी ख़राब थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के ज़्यादा हो गई थी, फीवर हो गई थी, फीवर हो गया था, फिर जैसे मुझे टैबलेट दिए वैसे मेरी तबीयत ठीक हो गई, 15 मिनट फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए आज हम लोग 4 बजे लंच कर रहे हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी हो रहा है चाय का टाइम, तो मैं तो पी रही हूँ चाय और वो जो है मेरे गोदी में खेल रहा है ना बेटू, ये तो आराम से खेलो खेलो कर रहे हैं। अरे आज दिन भर सो रहा था, दिन भर बस थोड़ा थोड़ा देर के लिए उठा है, बाकी दिन भर सो रहा था, अब जाके खेल रहा है ये, क्यों खाला भला। सो गाइस इतने सारे जो हैं लड्डू हैं, ये सारे लड्डू जो वो लड्डू हैं जो डिलीवरी के बाद खाने होते हैं, जो हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, जैसे कि ये है गोंद के लड्डू, ठीक है, और ये है कौन सा लड्डू है, ये है तिल के लड्डू हैं, ये है करात के लड्डू, वो अलसी का लड्डू था लेकिन फिलहाल ये कुरकुरा हो गया है, तो मैं लड्डू के हिसाब से इतना निकाल लेती हूँ। तो ये 4 लड्डू जो हैं रोज़ खाने होते हैं, लेकिन ये लड्डू मैं नहीं खाती क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ और मेरा पेट जो है भरा रहता है, तो ये सारे लड्डू मैं आज याद करके खा रही हूँ, लेकिन मेरे खाने का तरीका कुछ ऐसा नहीं है, ये सारे लड्डू बहुत कड़वे होते हैं, एकदम अलग लगते हैं, इसलिए मैं सारे लड्डू को मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें से जो तिल का लड्डू होता है ना और अलसी का
वो मीठा होता है, लेकिन ये करात का और सूट का जो है ना मेरे को थोड़ा सा कड़वा लगता है। वैसे तो सारे घी में और अच्छे से बने हुए हैं, वीडियो तो डाला ही है, लेकिन मैं सबको ऐसा मिक्स कर लेती हूँ फिर स्पून में खाती हूँ, तो इससे मुझे कड़वा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो आज याद है तो आज खा लेती हूँ। पूरे दिन भर में आज खेल रहे हैं अभी, कैसे दिन भर नीनी नीनी करना था, नानी पूजा कर रही है, पाएगी अभी को मालिश करेगी, अब मालिश कराने के लिए रेडी क्यों। समझ गया, बात समझ गया। हाँ हाँ, इसे 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 मालिश करा रहा है। कैसे बेटा, मजे ले रहा है? मालिश के मजे ले रहा है तू? ये मस्त से करवा ले बेटा। गुड बाय। यार क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं बता रही हूँ। तो गाइस ये है पैरासीटामोल, ये है क्या है, ड्रॉप है। अगर बच्चे की तबीयत अगर ख़राब होती है किसी बच्चे को, तो फिर हम लोग तो टैबलेट खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो है ये वाली ड्रॉप दिया जाता है। और ये वाला जो ड्रॉप है ये इसमें लिखा भी है, वेट के हिसाब से आप अपने बेबी को जो है ml के हिसाब से दे सकते हो। तो उस हिसाब से जो है हम अपने बेबी के वेट के हिसाब से इसे देते हैं। देखो भाई, जी जिसके घर में बेबी है ना, तो वो ये सारी चीजों का ध्यान रखे कि कौन सा मेडिसिन में है, ऐसा नहीं है कि अपन मेडिसिन दे नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए ना आपको पैरासीटामोल लिक्विड मिला दिया कि नहीं? अभी मैं पिलाऊंगी, अभी पिलाऊंगी। कैसे बेचारे को बुखार हो गया एकदम। बेटू मेरा मुंह ही नहीं खोल रहा है, क्या बताऊं। पहचान गया ये, ओ रे रे रे, बहुत बेचारे को लगा। जल्दी इसका नाक बंद करो, नाक बंद करो, सारी निकाल देगा। नहीं करते, नहीं करते, सारी दवाई निकाल देगा मुंह से। अरे नहीं निकालेगा ना, रुको रुको, पेट में को दूध ही करो इसके थोड़ा सा। हाँ बेटा पी ले, पी ले। वो भी और डालो ना, वो खत्म हो गया क्या? हाँ हो गया। ऐसे सोए हुए बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन ये ना अभी जगा हुआ था, अभी तुरंत आग बंद किया ये। रात के 8:30 और हो रही है डिनर की तैयारी, तो सब्जी वगैरह जो है वो नहीं बना है, लेकिन आज जो सब्जी बनने वाला है वो है भिंडी। बड़ी बड़ी भिंडी कटी हुई है क्योंकि इनके हिसाब से बनने वाला है रोटी बस, और कुछ ही और दूध जो है अभी गिरते गिरते बचा है, गिरते गिरते बचा है, और इनकी पसंद का बनने वाला सब्जी की फिर गिरेगा ये, ये फिर गाइस रात के बज गए हैं 10, खाना पीना जो है सब हो चुका है, बस अब बैठ के सीरियल देख रहे थे। तो सर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमें रोज़ देखने में, और आप क्या चाहते हैं देखना, कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो बाय बाय गाइस।